आपको ये तो पता ही है कि सिंगल ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप भी पॉसिबल नहीं है। सिंगल ग्रुप के बाद आप आर्टिकलशिप ज्वाइन ही नहीं कर सकते, और अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तभी आपको अच्छी आर्टिकलशिप मिलेगी। यू आर अवेयर ऑफ दैट। बोथ ग्रुप्स में ही सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, और साथ में बोथ ग्रुप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेकेंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप मिला के आपके रैंक की पॉसिबिलिटी है, वो ठीक है, बट सेकेंड ग्रुप में दो पेपर ऐसे हैं जो कि आपको 90-100 की रेंज तक आराम से लेके जा सकते हैं। एंड जेन्युइनली इनमें 90 प्लस लाना बहुत आसान है, और उस हिसाब से आपका सेट ऑफ का बेनिफिट, रैंक, सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर। तो पहली चीज, वी आर हियर टू गाइड यू इन दैट रिगार्ड ओनली, कि भैया आपको देने पहली चीज तो बोथ ग्रुप्स ही चाहिए। नंबर दो, कैसे प्रिपरेशन करनी है बोथ ग्रुप्स की, और अभी आपका ग्रुप वन की क्लासेस खत्म नहीं हुई है, जैसे सर की 19th को खत्म हो रही है, तो 20th से हम लोग एक स्लॉट, सर वाला स्लॉट हम ले रहे हैं। तो जो सर का स्लॉट है उसमें ऑल्टरनेट डेज पे मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग लूंगा, ऑल्टरनेट डेज में मैं FMSM लूंगा। तो 4 days कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 days FMSM, नंबर वन। और ऑडिट जो है सर लेंगे दोपहर के टाइम में, जस्ट मेरे से पहले, जिस दिन FMSM चालू होगी, दैट इज ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, उन दिनों में सर मेरे साथ शुरुआत से 1 महीने तक, अप्रोक्सीमेटली अप टू 1 month सर ऑडिट लेंगे। तो जो हमारा एस्टिमेट है, जो हमने कैलकुलेशन करी थी, सर का 19 नवंबर को कोर्स खत्म हो रहा है, तो 20th से हम अपनी क्लासेस शुरू करें और बड़े स्लो स्लो चलाएंगे। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिन्होंने भी ज्वाइन कर रखा, काफी सारे चेहरे तो मैं पहचान रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम 20th, इट इज अ फ्रेश। पीछे वाले चैप्टर्स आप बाद में करना, उसका कोई लिंकेज नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश 20th से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टारगेट बड़ा सिंपल है, जैसे हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, मेरा कपिल सर से डिस्कशन हुआ था कि हम कोर्स कब खत्म करा रहे हैं, पहले ही बता दूं, विद रिवीजन ऑफ ग्रुप टू, विद टेस्ट्स, विद रिवीजन, विद टेस्ट, और टेस्ट भी जो हम लोगों ने प्लान किया है यहीं बिठा के टेस्ट लेंगे, और टेस्ट लेंगे और टेस्ट आपके चेक करवा के देंगे, और मैं चेक जिनसे करवाऊंगा वो हैं जो CA के मेन एग्जामिनेशन चेक करते हैं। आई हैव एन एंगेजमेंट विद देम, जो CA के मेन एग्जामिनेशन चेक कर रहे हैं, मैंने उनको हायर किया है, और आप लोगों के टेस्ट उनसे चेक करवाऊंगा, FMSM और CMA गए। एक और बात, एक दो टेस्ट नहीं होंगे, वी हैव अप्रोक्सीमेटली 8-10 टेस्ट पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट, पूरा प्लान रेडी है हमारा। वी विल गिव यू 15 days, जैसे CA के एग्जाम होते हैं ना बेटा, एक दिन छुट्टी एक दिन एग्जाम, यू विल फील द सेम एनवायरमेंट इन दिस क्लास रूम। पर लेकिन ऐसा है, उस दिन भी क्लास होगी, एक स्लॉट में आपके टेस्ट होंगे, नहीं उस दिन क्लास नहीं होगी, दो क्लास, मेरी दो क्लासेस जो भी हमारी दो क्लासेस होंगी, फिर आपका टेस्ट होगा। ये मत सोचना कि आज ही छुट्टी है, पूरी पूरी छुट्टी नहीं होगी, क्लास होगी, उसके साथ साथ में आपका एक क्लास का स्लॉट में टेस्ट होगा। और ये जो बैच है ऑडिट की क्लासेस, समवेयर अराउंड आपका 15th of February को ओवर हो जाएगी। पहले जो मेरी क्लासेस थी वो 2 घंटे की हुआ करती थी, उसमें हमारे 51 लेक्चर्स हैं, बट दिस टाइम हमारा जो क्लास है वो आपका 2 hours 45 minutes का रहेगा, एंड 15-20 minutes का आपका ब्रेक। तो इससे जो नंबर ऑफ लेक्चर है वो मेरे रिड्यूस हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10-12 लेक्चर्स, तो आपके 40 लेक्चर में ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन बैलेंस 15-20 days आई विल यूटिलाइज फॉर द टेस्ट पेपर्स। आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, वो ये कि ऑडिट का सिलेबस ना बहुत ज्यादा कम हो गया है। कंपनी ऑडिट एक चैप्टर पढ़ा था, वो ICAI ने हटा दिया। ऐसे ही जहां जहां पे भी लॉ के प्रोविजन थे ना, वो सारा पोर्शन हमारे ऑडिट के सिलेबस से रिमूव कर दिया है। अब बात आती है सर नया क्या ऐड किया है, ICAI कह रहे कम करना है, नया कुछ नहीं देना है। तो बेसिकली सिलेबस भी मेरा जो है वो 7-8 लेक्चर का सिलेबस कम हो गया, प्लस 3 hours का मैंने लेक्चर कर दिया, 2 hours 45 minutes, मेरे 7-8 लेक्चर्स वहां कम हो गए। तो करंटली जो हम 50-55 लेक्चर्स पे जा रहे थे, विल कवर आवर कोर्स इन 40 लेक्चर्स। पहली चीज, बोथ ग्रुप्स ही देने चाहिए, शुरुआत में भी यही बोला था। अगर आप सिर्फ एक ग्रुप, क्योंकि देखो आपके दिसंबर मिड तक सारे ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे,
यू आर अवेयर ऑफ, जैसे मेरी टैक्सेशन में विजेंद्र सर से बात हुई थी, उन्होंने डेडलाइन बोली थी 15 मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। अकाउंट्स के सर से भी बात हुई थी, जैसा कुछ क्लासेस वो कर रहे थे, सर वील आई ऑल्सो फिनिश ऑफ राउंड अबाउट उसी के आसपास कहीं पे खत्म कर देंगे। लॉ तो आपका खत्म हो ही रहा है, तो उस हिसाब से आपके पास इतने समय तक, और इस बार आपको शायद पता होगा कि इलेक्शन के कारण देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, 5 साल पहले भी जून में होंगे एग्जाम, कि जून के होने के ज्यादा चांसेस हैं। 5 साल पहले भी हुआ था, 10 साल पहले भी यही हुआ था, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन उसको ना प्लान में मत रखना, उसको प्लानिंग में नहीं रखना। हम लोग प्लानिंग भी यही करेंगे, फरवरी तक कोर्स खत्म कराएं। तो यू हैव टू बी श्योर दैट आप बोथ ग्रुप्स की ही प्लानिंग करें। देखो एक बात बोलना चाहूंगा यार मैं, नंबर वन, कि सीए कोर्स के अंदर ना आपके सीए की डिग्री से ज्यादा वैल्यू है आपके काम की, आपके एक्सपीरियंस की, नॉलेज। तो मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूं कि यार ना 1 साल लेट बन जाएंगे, 2 साल लेट बन जाएंगे, लेकिन जिस दिन सीए बनेंगे ना तो कंप्लीट सीए बनेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो अपनी आर्टिकलशिप है, नाउ इट इज फॉर 2 ईयर्स, उस 2 साल की आर्टिकलशिप को अपने बेस्ट लेवल पे बेस्ट सीए फर्म से करना है। और आपको कोई भी बेस्ट सीए फर्म तभी मिलेगी जब आप बोथ ग्रुप पास हो, सिंगल अटेम्प्ट में पास हो। आप खुद सोचिए, मान लीजिए मैं केपीएमजी के एचआर के अंदर हूं, आप अपने आप को ले लो यार, आप केपीएमजी एचआर में हो, वहां पे मान लो 100 आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, नाउ दे हैव रिज्यूम फॉर 400 आर्टिकल्स, ठीक है, 400 स्टूडेंट्स के उनके पास रिज्यूम है। अब वो फिल्टर क्या लगाएंगे, वो उस बालक को ढूंढेंगे जिसने सिंगल सिंगल अटेम्प्ट में पास किया है, या वो फिल्टर लगाएंगे यार ऐसे स्टूडेंट दे दो सबसे पहले तो जो बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट पास है, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो इसका मतलब उन बच्चों का तो नंबर ही नहीं आया जिन्होंने सिंगल सिंगल अटेम्प्ट दिया है, आया क्या? फिर वो उसके ऊपर एक और फिल्टर लगाएंगे कि अब इनमें से वो स्टूडेंट पहले मिल जाएं जो रैंकर्स है, समझ रहे हो, कुछ आ गए, एक और फिल्टर लगता है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डू सीए कोर्स विद डायरेक्ट एंट्री रूट, सुना है आप लोगों ने? तो डायरेक्ट एंट्री में वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीकॉम करके आया हुआ होता है, तो वो एक और फिल्टर लगाते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसने बीकॉम भी किया हुआ है और इंटर भी किया हुआ है, वो उसको भी प्रायोरिटी देंगे, देंगे नहीं देंगे? तो आपको अब डिसाइड करना है कि इस आर्टिकलशिप के लिए आपको क्या उस रेस से बाहर ही हो जाना है या आपको उस रेस में रहना है, वो आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड। एक और बात बोलूं, वन ग्रुप के बेस पे अच्छी आर्टिकलशिप ही नहीं मिले, नहीं मिलेगी 100% पेपर पे लिख के दे सकता हूं। हाँ, कोई स्मॉल सीए फर्म जहां पे आप आईटीआर वाईटीआर फाइल करोगे वहां पे डेफिनेटली वो आपको दे देंगे आर्टिकलशिप। अच्छे सीए फर्म कहेंगे भाई मैं क्यों बला पालू। चलो ये क्रिस्टल क्लियर है, 20th नवंबर, पहले बता दें 20th नवंबर को 2:30 to 5:30 सीएमए की क्लास है, 21st नवंबर को ऑडिट की क्लास है 11 to 2, देन एफएम की क्लास है 2:30 to 5:30। मैं शुरू में एफएम पिक कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब हमारी रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी तब शुरू करूंगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट साथ में उठाने का कोई फायदा नहीं है, ग्रिप नहीं बनेगी। ऑल्टरनेट पे है तो एफएम शुरू कर रहा हूँ, जैसे ही ये सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे आई विल टेक एफएम एसएम ऑल्टरनेट बेसिस पे। सर आपने कुछ कहना है? यस, ऑडिट का मैं आपको स्केड्यूल बता देता हूँ, जो आपका 21st नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है समझ लो ये स्टार्टर है, 30th नवंबर तक आपके सिर्फ 5 और 6 लेक्चर्स होंगे। टेक्निकली समझो ऑडिट का बैच ही मेरा 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपका जो इनकम टैक्स चल रहा है वो 15 तक मेरे को सर नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है, दैट विल गो अप टू 15th of December। तो मेरे को जो 10 दिन मिल रहे हैं इन 10 डेज में, मैंने तो 10 दिन बोला है सर को, लेकिन सर कह रहे हैं कि हम आपको सिर्फ 5 और 6 डेज ही अवेलेबल करवा पाएंगे बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट ग्रुप क्लासेस। तो हमारा बैच टेक्निकली कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 16th December. अब मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, प्लीज कीप इन योर माइंड, 16 दिसंबर से लेकर तकरीबन 5th of January तक हमारी रेगुलर क्लास चलेंगी नॉनस्टॉप, संडे आपको छुट्टी दी जाएगी। सर देंगे? मैं दूंगा, मैं पहले सैटरडे भी देता था, आपके सामने है, मैं पहले 5 डेज ही पढ़ाता था मंडे टू फ्राइडे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं 5, यार अपनी भी तो जिंदगी है यार, फ्राइडे नाइट का माहौल मैं कैसे छोड़ दूं?
लेकिन तुम्हारा माहौल तो मैं ही बनाऊंगा, मेरा माहौल कोई और बनाता है। तो अभी मेरे को वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो क्या होगा? अरे वापस आओ, वापस आओ, मैं तुमसे सेक्रीफाइस खुद भी करूंगा और करवाऊंगा भी शुरू से ही। तो अच्छा सुनो, शेड्यूल सुनो भाई, बाहर वापस आओ। 16 दिसंबर से क्लास शुरू हो रही है, 16 दिसंबर से 5 जनवरी तक लगातार चलेगी, जिसमें आपके 20 लेक्चर्स कवर होंगे अप्रोक्सीमेटली। 5-6 मेरे को पहले मिल गए नवंबर के मंथ में। आपके ऑडिट के 2 मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट मॉड्यूल को करवाने में मुझे लगते हैं 25 डेज, सेकेंड को करवाने में लगेंगे 15 डेज। 5 जनवरी को आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। 5 जनवरी से लेकर अप्रोक्सीमेटली 20th ऑफ जनवरी तक आपके 5 टेस्ट होंगे, ऑडिट के और सीएमए और एफएमएसएम के। मैं ऑडिट का आपको शेड्यूल बताऊंगा, 5 इनके होंगे, 5 मेरे होंगे। ऑडिट का जैसे पहले 2 चैप्टर का एक टेस्ट हुआ, वो आपको चेक करके मिला 2 दिन में, फिर आपका नेक्स्ट 2 चैप्टर प्लस लास्ट 2 चैप्टर 4 चैप्टर का टेस्ट होगा, देन थर्ड टेस्ट आपका नेक्स्ट 3 चैप्टर्स और लास्ट 4 चैप्टर। बेसिकली आपके 3-4 टेस्ट होंगे, जिसमें 2-2 चैप्टर के 2 या 3 टेस्ट एंड आपका एक पूरा कंबाइंड टेस्ट आपका हो जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से पढ़ाई की है और आपके क्या क्या इम्प्रूवमेंट एरिया है, क्या आपको कुछ अपनी स्टडीज में बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या आपको रात के 9 से 11 वाले फ़ोन कॉल्स कम करने की ज़रूरत है, वो आप यू कैन डिसाइड। ठीक है, अगर सब बढ़िया चल रहा है तो कुछ भाई मम्मी से भी तो बात कर सकते हैं बच्चे, हमारी माँ छोड़ती नहीं है। ये बच्चे कहते हैं होने वाली, किसी के होने वाली मम्मी की बात करेंगे, ये दुष्ट हैं सारे हैं, लुच्चे हैं। तो इस तरह से आपका ना 20th जनवरी तक चलेगा, देन 21st ऑफ जनवरी के आसपास हम वापस रिज्यूम करेंगे जो भी डेट आएगी हमारी टेस्ट के बाद, एंड फिर 15 दिन आपका लगातार कोर्स चलेगा एंड योर कोर्स विल बी ओवर, और उसके अगले 10-15 दिन वापस से आपको टेस्ट देने हैं। जो कोर्स का डेडलाइन है वो समवेयर अराउंड 10th फरवरी है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ डेट बेटा, कोर्स कब खत्म करेंगे हम, 28th फरवरी इंक्लूडिंग टेस्ट। वो होता क्या है ना, अगर मैं आज आपको 10th बोल दूं तो यही आ जाएगा, अरे सर 10 बोली थी आपने, आया ना। मैंने कहा तुझे आई लव यू नहीं है मुझसे, तू 20 दिन और नहीं रह सकता, सर मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। तो वो प्राणी होते हैं क्लास में, तो मैं उन सब प्राणी के लिए क्या डेट रख रहा हूं, 28, ताकि मेरी कमिटमेंट में कोई दिक्कत ना आए, आया ना। चलो जी इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछिएगा। हाँ बेटा बोल। यस प्लीज। सर एक क्वेश्चन था, जब से मतलब क्लास ज्वाइन किया तब से मतलब सुन रहा हूँ कि मतलब बिग फोर ही मतलब आर्टिकलशिप के लिए मतलब होता है ना, कि बिग फोर, अगर बिग फोर अच्छा है, अगर आप सही में बहुत ही स्टेबल और बिल्कुल यू नो जिसे कहते हैं लॉन्च पैड आपका अच्छा होगा, तो दैट इज दैट लॉन्च पैड। इफ यू आर एबल टू गो इनटू बिग फोर ग्रेट, नहीं तो टॉप 20 फर्म्स। हल्की फर्म्स में जाओगे हल्का करियर होगा, हल्की सोच होगी। हाँ बोल रहा था सर कि अगर बिग फोर का नहीं हुआ तो बिग फोर के टॉप 20 कौन, टॉप 20 उसके आगे की, उसके आगे की अय्यर एंड अय्यर है, एससी वासुदेवा है, ठीक है ना, एसपी चोपड़ा है, बहुत सारी हैं। उसके अलावा भाई टॉप 20 भी, मतलब बिग फोर के आगे 16 और हैं, रादर टॉप 25। कभी कभी 16 का भी नाम बता दिया करो सर, अंदर से डर लगता। मैंने बताए थोड़े से अभी नाम, ये लिस्ट दे देंगे, कहेंगे तो उनके एचआर वाईचआर के डिटेल्स ईमेल आईडी के साथ दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है मई में या नवंबर में व्हाटएवर, उसके अगले 10 दिन में YouTube पे हम हमेशा अप्रोक्सीमेटली 4-5 वीडियोस लेकर आते हैं, जिसके अंदर आपको सारी बिग फर्म्स के नाम दिए जाते हैं, सबकी ईमेल आईडीज, सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किसका किसका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है जो आपको रिजल्ट से पहले देना है, वो सारे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के नॉलेज, उसके साथ ही उन सबके लिंक, आपको क्या क्वेश्चन। एक प्रोमिस कर रहा हूँ भाई, अगर ये प्रोमिस गलत निकल जाए मेरा, आप 100% फीस वापस ले जाना, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने ऑडिट की मेरी क्लास ज्वाइन की और आप ऑडिट का इंटरव्यू कहीं भी देने गए पूरे वर्ल्ड में, आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आज।
आप रिजेक्ट होगे तो किस वजह से होगे वो भी बता देता हूं, क्योंकि आपके पास वो टिक मार्क ही नहीं है जो उस प्रोफाइल के लिए या उस पोस्ट के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 4 रैंकर ही चाहिए, बट आप रैंक होल्डर हो ही नहीं, ठीक है? तो बेटा जी, आपका जो क्वेश्चन है ना, निश्चिंत रहो, हर चीज ना समय के साथ आपको बता दी जाएगी। स्टूडेंट के अंदर ना एक होता है माइंड में, अभी वो पढ़ रहा है लो, दिमाग में चल रहा है बिग फोर, तो यार पहले ना पास हो जाओ, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ना, पहले पास हो जाओ। जिस दिन आप पास हो गए ना, आपको आप सिर्फ उसी चीज के बारे में रिसर्च करना। फिर those of you know about us, हमारे प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, ग्रेट। जो नहीं जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपने प्रोफाइल के बारे में बता देते हैं आपको। नंबर वन, आपको ये चीज काफी लोगों को पता है कि आपके कई टीचर्स तो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, हर्ष सर, विजेंद्र सर, उनकी वाइफ्स, दोनों की वाइफ्स, मेरी वाइफ, सर की वाइफ। तो एनी हाउ 25 प्लस ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए। आई हैव डन CA, आई हैव डन CS, आई हैव डन MCOM, आई हैव डन MBA, आई हैव डन 2 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम IIM अहमदाबाद, आई हैव डन 1 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड आई हैव डन लॉट मेनी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव से रिलेटेड शॉर्ट कोर्सेस। दिस इज जस्ट माई लिटिल प्रोफाइल ऑफ माई स्टडिंग। नाउ टीचिंग, आई स्टार्टेड टीचिंग 1992, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट, बट प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ, एज सच एज अ प्रोफेशन, मैंने 1999 शुरुआत में बिल्कुल क्लियर कट कि मेरे को यही करना है, और मैंने अपना इंस्टीट्यूट जो है खोल लिया था, 1999 की बात है। तो इट्स बिन 25 ईयर्स कि मेरा इंस्टीट्यूट और मैं जो है हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। इस पीरियड में ग्रेस ऑफ गॉड टोटल पहले 50 साल में 100,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उनमें से एक मैं हूं। मेरा मेंबरशिप नंबर इज 99883। उसके बाद 2.5 लाख प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं, और मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट यह है, कंजर्वेटिव एस्टिमेट यह है कि कम से कम 18,000 से 20,000 स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट ओवर दीज इयर्स, और मैं मान के चलता हूं 4-5 में से एक तो सीए बनता ही है। ग्रेस ऑफ गॉड कहीं भी जाता हूं स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इतने के आसपास है, तो पूरी कंट्री का 5-6% सीए जितने भी हैं उसके 5-6% आर माई स्टूडेंट्स, एंड दैट्स अ प्राउड थिंग फॉर मी। एंड अब सर अपने बारे में बताएंगे। हाय गाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। चलो बात करते हैं, काफी है, बहुत काफी है, ठीक है? सुनिएगा 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 भाई, अब थोड़ा सा मार्केटिंग का टाइम है। दोस्तों यारो, मैंने ना अपना CA 2012 में क्वालिफाई किया था, और मैंने अपनी आर्टिकलशिप जो है वो SS कोठारी मेहता एंड कंपनी से की थी, जो कि वन ऑफ द टॉप CA फर्म है, आज भी टॉप 10 में आती है। एंड आई क्वालिफाई इन 2012, और उसी के तुरंत बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था KPMG, ठीक है? ऑडिट प्रोफाइल में मैंने ज्वाइन किया था, एंड देन ईयर 2014 आई ट्रेवल टू US सैन फ्रांसिस्को विद KPMG LLP ओनली, एंड आई स्पेंड 1 ईयर इन US। फिर वहां पता चला भैया जो हमको चाहिए वो इंडिया में है। Then I came back, शादी वादी की, और अग्रिमा मैम को भी US ले गया। ऑडिट नहीं, ऑडिट में ही काम किया वहां पे। 17 में हम लोग वापस आए, एंड देन आई ज्वाइन ENY एश्योरेंस ओनली, एश्योरेंस मतलब ऑडिट ओनली, और 18 नवंबर तक काम करते करते मैं थक गया। गंदगी भरी पड़ी है दिमाग में। 2009 से आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी, सुनिएगा यहाँ पे ना आपके लिए कुछ लर्निंग वाला पार्ट है छोटा सा। 2009 में आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी, 2018 एंड हो गया था। कितने साल हो गए थे बेटा मोटा मोटा?
10 साल के बाद मुझे लगा कि आई नीड ए ब्रेक, कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट करने की कोशिश की। पहले बैच में 13 स्टूडेंट पढ़ाए थे पुणे शहर के, 13 स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जी, एक दिन ऐसा हुआ कि बाइक यूज करता था मैं जनरली वहां से जाने, मतलब दिल्ली में गाड़ी यूज करता था, पुणे जाके बाइक यूज कर रहा था, स्कूटी यूज कर रहा था एक्टिवा। एक दिन ऐसा हुआ कि वापस आते टाइम इतना टेंशन हो गया कि यार 2-3 लाख रुपए छोड़ के मैंने क्या स्टेप ले लिया, जीरो पे आ गया था मेरे को। तो इतना टेंशन कि मैं बर्स्ट होने वाला था, मेरे को लग रहा था कि मेरे तो ना 100-200 बच्चे तो मिनिमम आएंगे क्योंकि मैं बिग फोर से हूं, ठीक है। बच्चे कितने आए भाई? 13। आपका 13 नहीं बोलते, तमीज से 13। मैंने एक दिन लगाई बाइक साइड में, आराम से बैठा वहां पे डिवाइडर पे, साइड में बैठने की जगह थी, और रोया क्योंकि यार फैमिली को तो नहीं बोल सकता ना मैंने गलत डिसीजन ले लिया। सब मना कर रहे थे कि भाई क्या कर रहा है, मैनेजर बन रहा है तू, बिग फोर के अंदर क्यों छोड़ रहा है तू, यूएस चला जा वापस। मैं आराम से रोया, मैंने कहा रो लेते हैं थोड़ा सा ना। फिर वापस घर गया, मन हल्का हो गया और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान बचा ले यार, इज्जत रख ले सिर्फ, बाकी कुछ ना सही, इज्जत तो रख लो, मतलब रोटी पानी का खर्चा तो निकाल दो यार। उसी अटेम्प्ट में वो बैच मैंने खत्म किया था 4th of January को, और 5th January से मेरा दिल्ली में बैच था। बैक टू बैक 2 बैच लिए थे, दिल्ली में स्टूडेंट थे 50। वहां से एक कॉन्फिडेंस आया कि पुणे में 13 मेक सेंस, ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ाया, 50 यहाँ पढ़ाए। और उसी बैच में ही कुछ 100-150 शायद पेन ड्राइव गूगल ड्राइव कुछ बिक गई होंगी। तो मेरा ना ब्रेक इवन तो नहीं आया था, बट आ जाता। बट द रिजल्ट केम आउट, माय स्टूडेंट स्कोर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन ऑडिट, ऑल इंडिया रैंक 3, एंड 90% मार्क माई वर्ड, 90% जितने बच्चों को मैंने कॉल किया उसका डेटा है पास्ड इन ऑडिट। जितने स्टूडेंट को हमने पढ़ाया 70-80% बच्चा हर अटेम्प्ट में पास होता है। आज का डेटा बता देता हूं, चलो इन एवरी ईयर 13,000 से 15,000 स्टूडेंट, इंटर की बात कर रहा हूं मैं, मुझसे क्लासेस लेते हैं और बहुत सारी रैंक्स भी आती हैं, इंडिया हाईएस्ट मार्क्स भी आते हैं ऑडिट में। जब हम 2018 में आए थे 50-60 मार्क्स प्लान करते थे स्टूडेंट्स कि भैया 50 नंबर आ जाएं तो ऑडिट के बहुत रहेंगे, बट नाउ एवरी स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट आर स्कोरिंग 60+, 70+, 80+, 90s इन ऑडिट। तो सर आपको एक बात बोल रहे थे ना बिगिनिंग में कि कोस्टिंग एफएम में 95% स्कोर करना इज वेरी इजी, आई एग्री ऑन दिस, इट्स वेरी इजी, बट इफ यू विल वर्क ऑन ऑडिट, आप थोड़ा सा उसको प्रॉपरली प्लान करोगे, यू कैन इवन स्कोर 90 मार्क्स इन ऑडिट एज वेल। ऐसा होना यार, ग्रुप 2 का रिजल्ट आया कितने नंबर, 270, और यही रैंक बनाएगा। और एक और बात, 95 जिस बच्चे के आ गए ऑडिट में, मेरे स्टूडेंट के 95, 5 लाख का इनाम, 90 चीटिंग नहीं, देखो 90 पे 1 लाख, 95 पे 5 लाख कैश प्राइज मिलेगा। उससे नीचे वालों के नहीं, उसके नीचे सबके होते हैं भाई, वो 5 नंबर ही तो बड़े। 90 तो बैक टू बैक आ ही रहे हैं, 89, 87, शुभम के 88 थे, 90 आ चुके हैं AIR1 के। अच्छा, दीक्षा गोयल भी मेरी स्टूडेंट थी जो लास्ट अटेम्प्ट AIR1 थी, तो वो दीक्षा कह रही है सर 5 लाख बनते हैं। मैंने कहा दीक्षा देखिए, जो 5 नंबर है ना ये बहुत मैटर करते हैं, 1 लाख से 5 लाख ना ऑडिट के ये 5 नंबर ही बनाते हैं। तो कुछ जानना चाहते हो तो भाई पूछ लो। बाकी सर की मैं क्लास क्यों नहीं लेके ले पाया था बता दूं, मैं बहुत चक्कर काटे थे IGP क्लास के, इसी बिल्डिंग के, इसी ऑफिस के, मेरे पास पैसे नहीं थे और इनका वेटिंग बहुत चलता था। आज यू आर लकी कि आप बैठ के पढ़ पा रहे हो। मैं 1,000-2,000 जमा करवा के गया था, मैं कहीं से भी अरेंज कर लूंगा क्लास दे देना, इन्होंने कहा नो आउट। मतलब सर आप बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ तो? फेस टू फेस ओनली होती थी, वर्चुअल की कोई ऑप्शन नहीं थी भाई साहब। 2-2 महीने ऐसे आके करते थे, भगवान के दर्शन तो हो जाए। एक्चुअली मैं आपको सच्चाई, आपको अजीब लग रहा होगा ना सुन के, मेरे को सीट ही नहीं मिली थी सर की क्लास में उस टाइम पे। आज वर्चुअल आ गई, GDPD आ गई, तो मानता हूँ टेक्नोलॉजी की वजह से इक्वल टू, मैं तो मैं देखो भगवान के बराबर ही हमारे तो, कि हमारे साथ खड़े हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलो जी, इतना ही मेरी साइड से, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो।
किसी को कुछ पूछना है? नहीं है तो फिर वी आर मीटिंग 20th CMA 2:30 एंड ऑडिट 11 AM 21st एंड देन 2:30 FMSM.